यस, आज तो मजा आएगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ हेनरी? आज ही के दिन हम स्वीट ट्वीट्स का नया पैकेट खोलते हैं। आज के दिन तो सिर्फ तुम स्वीट ट्वीट्स का नया पैकेट खोलते हो हेनरी, मैं तो ये सब खाता ही नहीं। मैं तो हाँ हाँ, तुम जैसे क्या घास फूस खाते हैं मैं जानता हूँ। ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है। तो इसका मतलब किसी ने मेरा स्वीट ट्वीट्स का पैकेट खोला है। तो वहाँ बैठ के तो मत करो, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। क्या फर्क पड़ता है जिसने भी पैकेट खोला हो तो? कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ स्वीट ट्वीट्स ही तो है ना? नहीं, ये सिर्फ स्वीट ट्वीट्स नहीं है, इस पैकेट में एक फ्री टॉय भी आता है, देखो। तो सारे नाटक की वजह ये है, एक फ्री टॉय। ये कोई ऐसा वैसा फ्री टॉय नहीं, ये मेरा लास्ट फर्स्ट क्लास जीरो फ्री टॉय होगा। मैं इन्हें महीनों से कलेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ है, कहाँ है, आज तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। हेनरी, कितनी गंदगी मचा रहे हो तुम। मैं दांत ब्रश करने जा रहा हूँ। पर आपने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मैं बाद में खा लूंगा। इसमें तो नहीं है। क्या नहीं है? The Evil Emperor, इसमें नहीं है। वापस दे दे पीटर। मेरे पास नहीं है हेनरी। उसके पास नहीं है हेनरी। अब ये सब साफ करो, नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। फ्रांसिस अंकल आने वाले हैं और तुम्हें पता है ना डैडी को कितना गुस्सा आता है जब कोई घर और घर साफ ना हो तो। मैं अपना रूम साफ कर लूँगा नाश्ता खत्म करते ही। मैं अपना एक टॉय बेड पर छोड़ आया था, कल रात उसके साथ खेल रहा था, खेलते खेलते ही सो गया। थैंक यू पीटर। ये सब उठाओ, नाश्ता करो और सफाई करो, समझे? नहीं। ये ठीक नहीं है। पहले तो किसी ने मेरा इविल एम्परर चुराया और अब मुझे अपना रूम भी साफ करना पड़ेगा। आज का दिन तो बड़ा ही खराब है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। फ्रांसिस अंकल किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। मैं सिर्फ 10 तक ही गिनूंगी। ठीक है ठीक है। एक, दो, शुरू हो गई, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ओह, वेरी गुड हेनरी, तुम बच गए। हाँ, नखरेबाज फ्रांसिस अंकल, हमारे छोटे बड़े चाचा, उनके तो मम्मी और डैडी से भी ज्यादा नखरे हैं। यकीन नहीं होता तो देख लो। मैं खोलता हूँ। सरप्राइज फ्रांसिस, आओ अंदर आ जाओ। आ जाओ। हाँ, क्यों नहीं। ओ, तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने 3 हफ्ते पहले चिट्ठी लिखी थी, 2 ईमेल्स भी किए और फोन भी किया था, वो भी 3 बार। हाँ, हमें पता था फ्रांसिस। फोन कॉल्स कहते हैं, वो तो बस फोन मैसेजेस थे, क्योंकि तुम तो कभी फोन उठाते ही नहीं हो। मैंने कहा हमें पता था फ्रांसिस। फ्रांसिस, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, अंदर आओ ना। आहो, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत थी? पहले तुम अंदर आओ। नहीं, पहले तुम। नहीं, मैंने कहा पहले तुम। मैं ही चलती हूँ पहले। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, डैडी को उनका छोटा भाई ज्यादा पसंद नहीं। पहले तुम आओ। नहीं नहीं, पहले तुम। आज के दिन यही चलता रहेगा। आपकी बारी है फ्रांसिस अंकल। अगर मौसम ठीक रहा तो लंच के लिए गार्डन में बारबेक्यू कर सकते हैं। मैं अच्छा कर लेता हूँ बारबेक्यू। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, और ऐसा लग तो रहा है कि आज धूप खिलेगी। यहाँ क्या कर रहे हो हेनरी? मैं मेरा इविल एम्परर ढूंढ रहा हूँ। शायद तुमने मेरे पैकेट से चुराते वक्त यही कहीं गिरा दिया हो। हे,
ये चीटिंग है फ्रांसिस। बकवास मत करो। मुझे एक और चांस मिलता है क्योंकि मेरे डाइस पे दो बार छह आया और तुम्हें एक भी बार नहीं आया। तुम अभी भी चीटिंग करते हो? ये तो चीटर है। बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तुम चीटर हो, चीटर चीटर चीटर। ओ, ओ, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओ, देखो बाहर कितनी अच्छी धूप है, क्यों ना हम बारबेक्यू शुरू करें? हाँ, क्यों नहीं। यकीन नहीं हो रहा, उसने मेरे शू लेसेस बांध दिए थे। अब बारबेक्यू पर कबाब मैं बनाऊंगा। नहीं, आज मेरी बारी है। नहीं नहीं मेरी नहीं। तो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। डैडी और फ्रांसिस अंकल की आपस में बिल्कुल नहीं बनती ना मम्मी। सही कहा तुमने। जाओ जाकर छाता डैडी को दे दो। कबाब तैयार है। तो गर्मा गर्म और रसीले कबाब खाओगे भाई? नहीं थैंक्स। ओ, ग्रोस क्लास जीरो का फैन कौन है? मैं हूँ। मैं भी। सच्ची? हाँ सच्ची, मैंने बचपन में उसका हर एक टॉय कलेक्ट किया है। वाओ, सो कूल। वैसे हर एक तो नहीं कर पाया, पर सारे कलेक्ट कर लिए सिवाय इविल एम्परर के। वही एक टॉय मुझे कभी नहीं मिला। अजीब है क्योंकि। चलो पेड़ पर किसे चढ़ना है? चलो फ्रांसिस, तुम चढ़ोगे ना पेड़ पर? हाँ नहीं थैंक यू। ओ फ्रांसिस, कहीं तुम डर तो नहीं गए हो? डरपो? नहीं। मैं पेड़ पर चढ़ने में चैंपियन हूँ। अच्छा देखते हैं। तुम दोनों ही चैंपियन हो, अब नीचे आ जाओ। तो देखते हैं असली चैंपियन कौन है। मैं हूँ। मैं जीत गया। ना, 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 ना। मैं जीत गया। ला 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 ला। मैं जीत गया। तो गुड बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, जल्दी दोबारा आना फ्रांसिस। ओ ओ, एक मिनट फ्रांसिस। हाँ। याद है तुम एक इविल एम्परर टॉय की बात कर रहे थे? वो हाँ, वो मेरे पास है, देखो तुम्हें नहीं मिला था ना। और ये मेरे पास ही रहेगा, तुम्हें कभी 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 नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचकान साइमन। बचकान कैसे कहा उसने मुझे? बचकान साइमन। डैडी आप बड़े हो गए हैं, ये बच्चों जैसे झगड़ा करना बंद कर दीजिए। हेनरी सही कह रहा है, बचपन में तुम दोनों की कभी बनती नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अब भी झगड़ते ही रहोगे। हेलो, आंटी रूबी का फोन है। अब इसे क्या चाहिए, मेरी जान लेकर रहेगी। हाँ हाँ रूबी, मुझे पता है, मैंने कहा था मैं कल करूँगी, पर मुझसे नहीं हुआ। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। हेलो मामा, आज आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा।
भूख लगी है। खाने में क्या है मम्मी? कुछ नहीं मिलेगा जब तक अपना बैग नहीं उठाते और होमवर्क नहीं पूरा करते। पर कोई परवर नहीं हेनरी। रुको, तुमने कुछ गिरा दिया हेनरी। हाँ, इसका होमवर्क ही होगा। ओ डियर पेरेंट्स, ये नोटिस है आपको बताने के लिए कि हम एक हफ्ते तक बच्चे पर ध्यान देंगे। ये होमवर्क नहीं है। हाँ, ये है ऑब्जर्वेशन, हर बच्चे की अच्छी और बुरी आदतों का। हाँ वही, चिंता मत कीजिए मामा, मिस लवली ने कहा हम सबको पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ मुझे पता है मेरे छोटे लड्डू, मुझे तो हेनरी की चिंता हो रही है। ओ हाँ, हेनरी तो गया काम से फिर से। अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं पीटर। ओ, मैंने नहीं कहा मामा, मिस बैटल एक्स ने ब्रेक में मिस्टर सोगी सिट से कहा, उन्हें पता नहीं था, मैं सुन रहा था। फिर भी ऐसा नहीं कहते, बस हमें किसी को ये पता नहीं लगने देना कि हेनरी असल में कैसा है ना? वो क्यों? अब क्योंकि हेनरी का अगर असली रूप उन्होंने देख लिया तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ओ, पर आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट मामा पापा हैं। ओ पीटर, तुम कितनी प्यारी बातें करते हो। क्या मैं अब टीवी देख सकता हूँ मामा? मैंने होमवर्क पूरा कर लिया। हाँ मेरे लड्डू, थोड़ी देर में मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी करो हेनरी, तुम लेट हो जाओगे। ये तुम्हारे लिए है पीटर। ओह थैंक्स मामा। आज खाने में क्या बना है? गाजर के पराठे। मेरे फेवरेट हैं। और हेनरी के लिए भी वही है। उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है, पर उसे तो खाने ही होंगे, आखिर इस हफ्ते उसे अच्छा लड़का बनना ही होगा। आज लंच में क्या है मम्मी? गाजर के पराठे। गाजर के पराठे? हाँ, और तुम्हें आज से वही खाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे हफ्ते तुम्हें अच्छा बनना है हेनरी, वरना थप्पड़ पड़ेगा। मैं और अच्छा बच्चा नहीं। अब अच्छा लगा, कोई सारा दिन सिर्फ गाजर के पराठों पे तो नहीं रह सकता, और वो भी जब आपने खाए ना हो। मुझे गाजर के पराठे पसंद हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम एक कीड़े हो पीटर, और कीड़े गाजर खाते हैं। वो नहीं खाते। बस बहुत हुआ। पर पापा हेनरी ने उसने क्या कहा? पर जाकर अब अपना होमवर्क करो। मुझे अभी अभी कुछ ऐसा याद आ गया जो मैं करना भूल गया था। हेनरी, मैंने कहा होमवर्क करो। मुझे मिला नहीं। तुम झूठ बोलना बंद करोगे हेनरी। झूठ नहीं, सच कह रहा हूँ। देखो मेरी जेब भी खाली है। जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो हेनरी। कौन सा होमवर्क करूं, कल का या परसों का या दरसों का? वैसे मेरा पिछले हफ्ते का भी बाकी है। हेनरी, खुशी से पागल हो जाऊंगा, पापा मेरा होमवर्क कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है पापा? दिमाग घूम गया है, मम्मी से कहकर एक कप चाय बनवाओ। क्यों नहीं, और जब तक आप बिजी हैं मैं टीवी देख सकता हूँ। नहीं एक मिनट रुको हेनरी, टीवी पर तुम क्या देखने वाले थे? क्योंकि अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है तो मैं और तुम्हारी मम्मी टीवी देखने दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। मैं देखने वाला था दौड़ो भागो। पहले तो कभी नहीं देखा, किस बारे में है वो? दौड़ते भागते जानवरों के बारे में है। ओह, लगता तो ठीक ठाक ही है, जाओ तुम देख सकते हो। थैंक्स पापा, खुशी से पागल हो जाऊंगा। मेरे लिए चाय कहना मत भूलना। क्या तुमने होमवर्क कर लिया हेनरी? मेरे लिए पापा कर रहे हैं। क्या, क्यों? मुझे क्या पता, वो खुद ही कह रहे हैं। अब हटो बीच से सड़े आलू लौकी, मैं देखना चाहता हूँ प्रिंसेस मिंकी पोपो क्या कर रही है। ओ, तुम दौड़ो भागो देख रहे हो? हाँ, वो एजुकेशनल है कीड़े। मैं मामा को बताऊंगा, उन्हें पहले से पता है। क्या मस्त है ना ये? देखा, मैंने कहा ना एजुकेशनल है। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा हेनरी? एकदम बकवास, पालक के पराठे तो गाजर वाले से भी बुरे होते हैं। होमवर्क? थैंक्स,
अब स्पोर्ट शूज पहन लो। क्या? स्पोर्ट शूज पहन लो, हम थोड़ी देर में दौड़ने जा रहे हैं। अरे मेरे मम्मी पापा को आखिर हो क्या गया है? बहुत हो गया, अब और बात नहीं मानूंगा। हाँ ये क्या है? इसे कहते हैं अच्छा म्यूजिक। जो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करूंगा। ये इनको हो क्या गया है? तो आज स्कूल का दिन कैसा रहा हेनरी? मैंने करेले के पराठे खाने का नाटक किया जैसे आपने मुझसे कहा था। गुड। कोई होमवर्क मिला? बहुत। मिस बैकलैक्स को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सारा होमवर्क कर रहा हूँ, तो उन्होंने और भी दे दिया। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे। और एक बकवास क्वेश्चन आंसर भी भरना है। क्वेश्चंस? कैसे क्वेश्चंस हैं? अरे वो है ना, ऑब्जर्वेशन हेनरी, सही वर्ड है ऑब्जर्वेशन। अब आगे बोलो। उन सारी चीजों के जवाब देने हैं जो हमें घर पर करना अच्छा लगता है। मुझे तो हेनरी, पर वो हमें खुद भरना है, किसी और को नहीं। मैंने कहा ना, वो मुझे दे दो हेनरी। ठीक है ठीक है, यही कहीं होना चाहिए। स्कूल से निकलते टाइम तो यही था। मिल गया। हफ्ते भर में तुम कितने घंटे टीवी देखते हो? तुम कितनी देर कंप्यूटर पर गेम खेलते हो? तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है? तुम्हें मिठाई पसंद है? हो गया, हम तो गए। आपका मूड क्यों खराब हो गया मम्मी? कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाओ तुम। मुझे मेरा पेपर तो वापस दे दो। नहीं, अपने रूम में जाओ अभी हेनरी। एक ग्लास दूध तो दे दो। कल सुबह पी लेना, अब जाओ। ये बकवास है। लौकी के पराठे, वाह वाह। जल्दी जल्दी स्कूल जाओ हेनरी, आज तो फ्राइडे है। मुझे पता है मम्मी, हफ्ते का आखिरी दिन। मुझे वो भी पता है। अपना पेपर ले जाना मत भूलना। मैं इसे भरना तो भूल ही गया, आज तो स्कूल में मेरी बैंड। डरो मत, मैंने इसे भर दिया है। थैंक्स मम्मी, शाम को मिलते हैं। सब ठीक ठाक होगा ना? लगता तो है। तो क्या लिखा तुमने? हफ्ते में हेनरी कितनी देर टीवी देखता है? नहीं देखता। और कंप्यूटर पे? नहीं खेलता। वो हर रोज अपना होमवर्क करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे सब्जी वाले पराठे पसंद है, रोज एक्सरसाइज करता है और मिठाई तो बिल्कुल भी नहीं खाता। हमारे हेनरी जैसा तो कोई है ही नहीं, कितना अच्छा लड़का है। और मैंने ये भी लिखा है कि फ्री टाइम में वो पौधों को पानी डाल देता है। वेरी गुड। लौकी के पराठे मेरे फेवरेट हैं। तो हेनरी, दिन कैसा था? ठीक ही था। और हम सबको चॉकलेट्स भी मिले वो क्वेश्चन आंसर भरने के लिए। अच्छा? हाँ, कूल ना? ओह, स्कूल से ये लेटर है आपके लिए। हमारे लिए? हेनरी के मम्मी पापा के लिए। हमने पूरे हफ्ते हेनरी पर नजर रखी और हम बहुत ही टेंशन में हैं। ओह नो, आखिर उनको इसका असली रूप दिख ही गया। ना वो टीवी देखता है, ना कंप्यूटर पर खेलता है, अजीब सी सब्जियों के पराठे खाता है, आज तक उसने कभी चॉकलेट भी नहीं खाया, और चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपना होमवर्क करता है। पर ये तो अच्छा है ना? शायद नहीं, ये सारी चीजें कुछ अजीब सी हैं हेनरी की उम्र के लड़के के लिए। तो हम कहना चाहते हैं कि आप कुछ सीखिए कि कैसे एक बेहतर मम्मी पापा बन सकते हैं। ये तो हद हो गई। कॉमिक तो पढ़ लिया, अब टाइम है म्यूजिक सुनने का। मेरा सबसे फेवरेट किलर बॉय रैट्स। ये देखो मेरे प्यारे फ्लफी वफी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ। ये लड़का भी ना।
बकवास है। मॉम को जरा भी लाउड म्यूजिक पसंद नहीं है, पर मैं सुधरूंगा कहाँ। दुश्मनों में आया। मैं आज की बेस्ट बॉयज की मीटिंग शुरू करने की इजाजत देता हूँ। टेड, इस हफ्ते तुम एजेंडा पढ़ो। तो आज के एजेंडा का पहला आइटम है, कौन इस हफ्ते का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच पहनेगा। वो मैंने पौधों को पानी दिया। मैंने अपनी मॉम की शॉपिंग में हेल्प की। मेरे बर्थडे में अभी काफी टाइम है, फिर भी मैंने अपने सारे थैंक यू लेटर्स लिख लिए। इससे पहले कि कोई मुझसे कुछ कहता, मैंने अपने सारे टॉयज को फिर से एक बार ठीक से रख दिया। तो मुझे ही इस हफ्ते का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉय होना चाहिए। हाँ? तो एजेंडा में अगला आइटम क्या है? अगला है इस हफ्ते का बेस्ट बॉय सिंबल। अच्छा, तो किसी के पास कोई आइडियाज हैं? हम एक फूल बना सकते हैं। शायद फिर एक एप्रन। हाँ, या फिर बिस्किट टूथब्रश। क्यों? हाँ ठीक है, सारे बड़े ही अच्छे अच्छे सुझाव हैं, पर मैं सोचता हूँ एक हेलो होना चाहिए। तो एक हेलो तय हुआ। पीटर। बोलो गॉर्डन। क्या तुम्हें लगता है क्या गॉर्डन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें टर्न बाय टर्न ये करना चाहिए? नहीं, ये तो चीफ बेस्ट बॉय का काम है और वो मैं हूँ। किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें इससे अच्छा लगेगा गॉर्डन, तो तुम सेकंड बेस्ट बॉय बन सकते हो। ओके। और मेरा क्या? तुम बन सकते हो बेस्ट बॉय के सेक्रेटरी। तो क्या बेस्ट बॉय के सेक्रेटरी के लिए कोई आइटम है? एक्सक्यूज मी कहो। नहीं, मतलब कि मैं पूछ रहा था कि मैं क्या बनूंगा चीफ बेस्ट बॉय। तुम बन जाओ थर्ड बेस्ट बॉय, और वो भी सफाई की खास जिम्मेदारी के साथ। वाह, मुझे बड़ी ही होशियारी से दुश्मन के इलाके पर नजर रखनी होगी। तो और कुछ काम बाकी है? मेरी बर्थडे की पार्टी। कितना मजा आएगा। क्या बर्थडे पार्टी? मैं बहुत दिनों से किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं गया हूँ। हाँ, बड़ा मजा आएगा, है ना? क्या हम पौधे लगाएंगे? नहीं। वो पैडलिंग प्रो वाली पार्टी। यक। नहीं। मुझे पता है, ये साफ सफाई करने वाली पार्टी होगी, है ना? क्या? नहीं। तो फिर किस तरह की पार्टी होगी ये? मैं क्लू देता हूँ। ब्रम ब्रम। ओह, ये तो गो कार्ट लगता है। इसका नाम गो कार्ट क्रेजी होना चाहिए। क्या तुमने कुछ सुना? या फिर हमने तुम्हारे दिल की आवाज सुनी? या फिर कोई हमारी जासूसी कर रहा है? उप्स, कुछ सोचना होगा जल्दी से। करो मत, मैं तुम लोगों की सुरक्षा करूंगा। क्या मतलब तुम हम सब की सुरक्षा करोगे? SPPS आपकी सेवा में तैयार है। पर ये SPPS क्या है? स्पेशल पार्टी प्रोटेक्शन सर्विस। इसका मतलब कि मैं तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। किससे सुरक्षा? एलियंस और भूतों जैसे पार्टी पूपर्स से। एलियन भूत जैसे पार्टी पूपर्स? वो हाँ, वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि किसी की पार्टी को बिगाड़ दे। ये क्या है हेनरी? ये पार्टी पूपर्स का एक औजार है। ये तो टॉयलेट रोल के अंदर का हिस्सा है हेनरी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये टॉयलेट रोल के अंदर का हिस्सा लगता है, पर ये नहीं है। यही है जो तुम्हारे और अनॉयलेशन हेनरी। हाँ, बिल्कुल वही। वैसे तुम्हें इतने लंबे लंबे वर्ड्स कैसे आते हैं? अब टॉपिक मत बदलो हेनरी, तुम हमारी जासूसी कर रहे थे। मैं तुम्हारी पार्टी की सुरक्षा के लिए आया था गॉर्डन। ओके। तुम फिर से टॉपिक बदल रहे हो हेनरी। एक मिनट रुको पीटर, मेरा मतलब है चीफ बेस्ट बॉय, शायद ये सच बोल रहा हो। ओह प्लीज। मैं गॉर्डन के साथ अग्री करता हूँ, मतलब कि मैं सेकंड बेस्ट बॉय के साथ हूँ। चीफ बेस्ट बॉय मैं भी। ओह ग्रेट, तो ये है
प्लान। अब आगे क्या होगा हेनरी? आगे क्या होगा? मुझे पता करना होगा आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? ये तो बड़ा ही आसान था फैंग। मैंने उनसे कहा है कि जितने हो सके उतने पार्टी पूपर प्रोटेक्टर्स को बुला ले और खाली टॉयलेट पेपर रोल्स भी कलेक्ट करे, क्योंकि इनकी जरूरत गॉर्डन की पार्टी में पड़ सकती है। और मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मुझे पार्टी में बुलाए ताकि मैं उन पार्टी पूपर्स पे नजर रख पाऊँ और एलियंस वहाँ आकर सबको अनोयलेट ना करे। अनोयलेट क्या भारी वर्ड है यार। अच्छी कोशिश थी हेनरी। तुम्हारा क्या मतलब है कीड़े? मेरा मतलब है अच्छी कोशिश की तुमने अपने आप को गॉर्डन की पार्टी में इनवाइट कराने की, मगर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है बच्चे। मैं बताऊँ तुम्हें मुझे ऐसा क्यों लगता है हेनरी? क्यों क्यों बोलो ना, मुझे भी सुनाई दो। क्योंकि गॉर्डन की पार्टी में सारे बेस्ट बॉयज को बुलाया है और तुम बेस्ट बॉय नहीं हो और कभी बनोगे भी नहीं। ऐसा तो पीटर को लगता है। तो अब एजेंडा का आइटम नंबर 64, इस हफ्ते के अच्छे काम। मैंने सारे लॉलीपॉप रैपर्स उठाए। मैंने पार्क में बेबीज की देखभाल की। ऐसे लोगों से खुद को बचाना जो हमें धोखा दे सकते हैं। मैं गोकार्ट को क्रेजी पार्टी में जाने के लिए कुछ भी करूंगा। आइटम नंबर 357, नए बेस्ट बॉयज क्लब के मेंबर्स। क्या कहा? पर मैंने तो एजेंडा में ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, सारा कूल क्यूट। कलर स्पेलिंग्स लिखे हैं, ये देखो पीटर। मुझे देखने दो। पर ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। पर ये एजेंडा में है पीटर, हमें एजेंडा के हिसाब से जाना है, नहीं तो क्या होगा तुम्हें पता है ना। पर जो भी मेरे साथ है अपने हाथ ऊपर करें। मैं कहाँ हूँ? तो कोई है जिसे बेस्ट बॉयज क्लब ज्वाइन करना है? हाँ मैं हूँ, मुझे करना है। तुम्हें करना है? हाँ करना है, मगर। मगर क्या हेनरी? मगर मुझे बिस्तर ठीक करना नहीं आता, टाइडी रहना नहीं आता, अच्छे काम करना नहीं आता। सच में मुझे कुछ ठीक से नहीं आता। कोई बात नहीं हेनरी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, इसकी बातों में मत आओ, क्योंकि ये कुछ भी अच्छे नहीं कर पाता। ये कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहता और इसे सिर्फ बुरा बनना ही अच्छा लगता है। और ऐसे कभी भी एक भी गुड बॉय गोल्ड स्टार नहीं मिला है। ओह, तुम मेरा एक गुड बॉय गोल्ड स्टार ले सकते हो हेनरी। तुम्हारा बेस्ट बॉयज क्लब में स्वागत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? चलो सब चलकर कुछ सफाई करते हैं। मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े गोकार्ट को क्रेजी पार्टी में जाने के लिए। अब आएगा मजा। हे हेनरी, तुम भी हमारे साथ आओ हेनरी। क्या? छोटा है, वहाँ बोरिंग है, नॉट कूल। मम्मी, मामा नीचे है हेनरी। मुझे पता है वो नीचे है, पर मुझे उनसे कुछ पूछना है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। यहाँ तो कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। ज्यादा होशियार मत बनो। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मैं ले लूँ। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक, अब जाओ और जाकर मम्मी को बुला कर लाओ। नहीं,
क्योंकि तुम बुरे हो। वैसे भी मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं कुछ सोचने में बिजी हूँ। मम्मी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? अपनी अलमारी में देखो। देख लिया, पर यहाँ नहीं है। तो फिर तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। नहीं। रैल्फ आया है। हाय हेनरी, क्या चल रहा है? कमांडो नंबर वन कर रहा है दुश्मनों के अड्डे पर हमला। वाओ, ये बहुत ही स्मार्ट है। हीरो लगेगा तू तो? मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद नहीं है? इसमें तो मैं सुपर हीरो लगूंगा। तुम ले लो फिर। सच्ची मुच्ची? ₹50 में। ठीक है, ये वाला भी ले सकता हूँ क्या? हाँ, दोनों मिलाकर ₹100 हुए। पक्का? बाजार में इनके बहुत पैसे देने पड़ते। ये बाकी के कपड़े भी कोई जरूर खरीदना चाहेगा। अच्छा, सच में? हाँ, एक आइडिया आया, चलो फैशन शो करते हैं। एक फैशन शो? और फिर जो हमें सबसे ज्यादा पैसा देगा उसे कपड़े दे देंगे। कूल। बदले में मैं लूंगा आधी कमाई। ओके, मम्मी को कुछ पता लगने से पहले ये सब यहाँ से हटा देते हैं। थोड़ा लेफ्ट में, नहीं नहीं राइट में, राइट में। ओए, ये सब क्या चल रहा है? मार्गरेट, तुमने मुझे डरा ही दिया। वही तो मैं करना चाहती। आलू, मैंने कुछ पूछा तुमसे? हम बस कुछ ले जा रहे हैं, कुछ कहीं और। सच में? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं है, हेनरी के फटे पुराने गंदे कपड़े। कपड़े? मुझे देखने दो। रैल्फ, मैं ज्यादा देर ये नहीं पकड़ पाऊंगा। ओए, कुछ कपड़े तो बिल्कुल नए लगते हैं, इन्हें बेच भी सकते हो। ओहो, हम यही तो करने वाले हैं, मिस होशियार। सॉरी हेनरी। तुम एक फैशन शो क्यों नहीं करते? हम वही करने वाले थे होशियार। फिर तो मेरे सिवा कोई और तुम्हारी सुपर मॉडल हो ही नहीं सकती। गुड, मैं तैयार हूँ और हम इसे कल मेरे घर पे कर सकते हैं। आओ और इसे मेरे घर अभी ले आओ। कम से कम 10 धोने पड़ेंगे अगर हेनरी ने पहने थे। सॉरी हेनरी। कोई गड़बड़ जरूर होगी, देखना। हाँ यार। गड़बड़ तो हो गई मेरे दोस्त। दुनिया के बेस्ट फैशन शो में आपका स्वागत है। ये सब कुछ सिर्फ मेरे कपड़े बेचने के लिए? हाँ, जो तुम्हें नहीं चाहिए। ये मेरा शो है, तुम इसे बर्बाद मत करना। क्या इन सब लोगों को पता है? पेपर में छपवाया था इसे कहीं के। अब चलो शो शुरू करते हैं। वेलकम, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हमने ये खास फैशन शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा है, जिसमें है मार्गरेट। सुपर कूल मार्गरेट। सुपर कूल मार्गरेट। आ रही है सुपर कूल मार्गरेट। वो बाहर नहीं आ रही है। क्या मतलब बाहर नहीं आ रही है? कहा ना बाहर नहीं आ रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मैं आ गई। अच्छा हुआ आ गई। तो हमारे बीच है एक बहुत ही कूल, बल्कि सुपर कूल, बल्कि सुपर डुपर कूल टी शर्ट। तो कौन खरीदना चाहेगा इसे? मैं दूंगी ₹1। क्या दादी माँ, जरा इसका रंग तो देखिए। ₹1 देना है तो दो। हमें चलेगा, टी शर्ट आपका हुआ। क्या बकवास है। कुछ अच्छा है, क्या खरीदना? ना टाइम तो बात है। हाँ।
इंतजार करने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो क्या बोली लगाएंगे इस स्मार्ट टी शर्ट की? ए, वो मेरा नहीं है। बिक गया। वो पीछे वाली आंटी ने खरीदा, वो अंकल का हुआ, वो वहाँ उस लड़के का हुआ जो खुद को हीरो से कम नहीं समझता। दिखता एकदम मिलन है। क्या हम शुरू करें पीटर? रुक जाओ गॉर्डन, बस एक मिनट और। अब दिल थाम कर बैठिए भाई और बहनों, छोटे और बड़ों, अब टाइम आ गया है हमारे ग्रैंड फिनाले का। इसके लिए आप क्या देंगे साहिबान? बोली लगाइए। 15, 20। क्या आप 25 कहना चाहते हैं? कौन है वो? पता नहीं, पर हमें उससे क्या, हमें तो हमारे टी शर्ट के पैसे मिल रहे ना, बस है। 2000 रुपए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका दाम लग गया है 2000 रुपए। तो ये जबरदस्त टी शर्ट कौन लेना चाहेगा सिर्फ 2001 रुपए में? कोई और लगाएगा कुछ और दाम? गया। तो ये जाता है सफेद झंडा लहराने वाले को। इतने पैसे मैंने आज तक नहीं देखे, हम अमीर हो गए राज। आधे तो मेरे हुए ना हेनरी। अब उतना मजा नहीं आ रहा है। ये फिर भी बहुत है हेनरी। बिल्कुल, और इसमें से कुछ मेरे हैं। मॉडलिंग के पैसे, चाय नाश्ता, सजावट, खर्चे वगैरह। खर्चे? यहाँ सुनाई कम देता है क्या? हाँ, मेरे खर्चे। मेरे पापा को कुर्सियाँ किराए पर लानी पड़ी, और हाँ प्लेट भी। तो उस हिसाब से ये पैसे मेरे हुए। थैंक यू। चिंता मत करो हेनरी, तुम्हें अब भी उस हैप्पी हिपो टी शर्ट के पैसे उस अजनबी से लेने हैं। हाँ, पर वो था कौन? वो मैं था। तुम? हाँ। तो वो अजनबी तुम थे? मुझे पता था तुम वो मुझे कभी नहीं बेचोगे, इसलिए मैंने गॉर्डन और उसके सफेद झंडे की हेल्प ली। ओ, पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे पास नहीं है। क्या? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी थोड़े से पैसे दूंगा और फिर हर महीने अपनी पॉकेट मनी से बचा के थोड़ा थोड़ा दिया करूंगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, यही कुछ 10 साल। 10 साल? कोई बात नहीं हेनरी, चलो कुछ तो मिला। ठीक ही है। पक्का? पक्का, पर जब तक तुम सारे पैसे ना दे दो उसे तुम सिर्फ संडे को पहनोगे। तुमने कपड़े शेयर किए हेनरी? अपने छोटे भाई को अपना पुराना टी शर्ट दे दिया तुमने। सिर्फ संडे को पहन सकता है ये। सोचा जाए तो, समझा जाए तो, ये अब मेरा है हेनरी। क्या मतलब है? लगता है तुमने पैसों वाला कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं है, उसमें सब कुछ लिखा था। पैसों वाले कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है पीटर? कितने में खरीदा है तुमने इसे? 2001 रुपए में खरीदा है। सुन रही हो ना तुम? स्कूल बॉय हेनरी ने बनाया एक नया रिकॉर्ड पुराने कपड़ों का फैशन शो करके और उन्हें बेच के। हेनरी, तुमने अपने पुराने कपड़े पीटर को बेच दिए? मैंने नहीं बेचा, उसने खरीदा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उन्हें वापस खरीदोगे, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। तो ऐसा है मिस, ये सब शुरू हुआ बनानास के कारण। पूरी बात बताओ मार्गरेट। हेनरी हमेशा की तरह बदमाशी में लगा था। ओए, तुम्हें रूल्स पता नहीं है बदमाश बच्चों? स्कूल में यो-यो अलाउड नहीं है, मुझे ये लेना होगा लड़के। चलो अब इधर लाओ ये। कोई सर्वर नहीं, अब ये मिलेगा सिर्फ मेरी अलमारी में।
या फिर ये कहूँ कि वहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिस ऑडबोर्न ने अलमारी का ताला तो बदला है, साथ में उसकी चाबी भी छिपा दी है। अब भूल जाओ इसके बारे में, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पर हेनरी तो आखिर हेनरी है, एक पनिशमेंट से उसका दिल कहाँ बढ़ने वाला था। पर हेनरी तो आखिर हेनरी है, एक पनिशमेंट से उसका दिल कहाँ भरने वाला था। तो हेनरी आज का क्या बहाना है, बिल्ली खा गई होमवर्क? नहीं मिस, बिल्ली का उपवास था। तो आज बिल्ली नहीं है, तो फिर क्या चूहा था? फैंग चूहा नहीं है, वो एक हैमस्टर है सरेली। हाँ, एक मोटा हैमस्टर जो चूहे जैसा दिखता है। मैंने कहा चुप मार्गरेट, लगता तो है कि फैंग ही इस बार होमवर्क खा गया है ना हेनरी? नहीं मिस बैटलैग। तो फिर नोट लिखवा कर आए हो मेरे लिए? कोई तो नोट होगी जो मैंने अब तक नहीं दिखाई होगी। जरा पढ़ना रैल्फ, जरा जोर से, सुनाई नहीं दे रहा है रैल्फ। हाँ सॉरी मिस बैटलैग्स, हेनरी आज स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत 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 बीमार है। थैंक्स। फिर से ट्राई करो हेनरी, अपनी मम्मी का कोई और नोट भी जरूर होगा। यस। जरा पढ़ना हेनरी। डियर मिस बैटलैग्स, आज मैं होमवर्क नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास और भी बहुत कुछ करने को है। थैंक्स हेनरी की मम्मी। और हाँ, हेनरी खुद अपना होमवर्क कर सकता है पर वो करना ही नहीं चाहता। थैंक्स मम्मी। चलो दोस्तों, मैं चला पनिशमेंट भुगतने। रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम अपना होमवर्क अभी कर सकते हो। हा? हाँ, आज का तुम्हारा होमवर्क है शेयरिंग और केयरिंग। शेयरिंग और केयरिंग मिस। हो चुका। मार्गरेट, मैं चाहती हूँ कि तुम डिसाइड करो कि हेनरी कैसे आज का दिया हुआ होमवर्क पूरा करेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बैंड बजेगी, तुम्हारी बैंड बजेगी। ये आज तक का सबसे बकवास होमवर्क है, सरेली मार्गरेट का नौकर बनना। हाँ हेनरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ रैल्फ? हाँ, हर किसी को मौका नहीं मिलता मेरी ऐसी मेवा करने का। लगता है मार्गरेट तुम सेवा कहना चाहती हो। मुझे जो कहना है मैं कहूँगी, समझे चश्मेश? सेवा या मेवा, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? समझे चश्मेश, सेवा हो या मेवा। थैंक यू सूजन। केले मेरे फेवरेट। एक केला। हाँ, दो केले। तीन केले। चार केले। हाँ चार। पाँच, छः, सात, आठ। हाँ बेचारे हेनरी की हालत तो देखो। देखो सूजन, खाने में रसम है। वाओ यम्मी। चाहिए क्या? ये किस तरह का रसम है? केले का है। मुझे दो। लगता है हेनरी पगला रहा है। मजा आ रहा है ये सब देख के, है ना? शुक्रिया दोस्तों। नहीं। तो आपने देखा मिस ऑडबोर्न, हेनरी पागल हो गया है। मिस्टर सॉगिंगटन, आगे आप क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं, जरूर मिस ऑडबोर्न। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये किया किसने है। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो गया था। नहीं।
आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर सॉन्गिंगटन कि आपके पास इस बदमाशी का कोई सबूत नहीं है? वो हाँ, मतलब नहीं, ना वो कटोरी है ना कि केले। आपका मतलब है वो गायब हो गए ऐसे ही हवा में? हाँ मिस हॉटपॉट, एक मिनट पहले वो वहाँ थे और एक मिनट बाद वो गायब हो गए। थैंक यू मार्गरेट, तुम भी वहाँ थी है ना? वो नहीं मिस, पर एंड्रू था और उसने गुरिंदर को बताया और उसने सुरैया को और फिर सुरैया ने मुझे, तो ये सच ही होगा। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, थैंक यू मार्गरेट। ओ, आपको और कुछ नहीं जानना है? आज के लिए बहुत हुआ मार्गरेट। ओ, वैसे आपको पता है ना मैं कहाँ मिलूंगी? मुझे सब पता है मार्गरेट। तो सिडमत, कोई भी सबूत नहीं है? नहीं, वैसे एक सबूत है, मेरे सिर पर गिरा ये केले का रसम जो बहुत ही टेस्टी है। मैं बताऊं हमें क्या करना चाहिए सिडमत? हाँ हाँ बोलो ना सिंथिया। मुझे लगता है हमें सब कुछ भुला देना चाहिए। भुला देना चाहिए सिंथिया? इस तरह क्यों नहीं सोचते हो? हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, तुम सही हो सिंथिया, तो मैं सब कुछ भूल जाओ। हाँ सब कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सिडमत। तो मैं जाता हूँ और भूल जाता हूँ। गुड बाय सिडमत। गुड बाय सिंथिया। गुड बाय सिडमत। हाँ, वैसे गुड बाय। बोलो सिडमत। मैं हूँ मिस हॉटपॉट। मार्गरेट, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे एक केला मिल गया है मिस हॉटपॉट। बहुत अच्छे। तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? वो ऐसा है मिस ऑडबॉर्ड, ये सब शुरू हुआ बनानास के कारण। बस करो हेनरी, मुझे इसके बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है। हाँ? चलो अब भागो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं। ओह ठीक है, इसका मतलब मैं जा सकता हूँ? हाँ हेनरी, तुम जा सकते हो, पर जरा धीरे धीरे क्लास की तरफ जाना, जिससे सबको लगे कि तुम्हें डांट पड़ी हो। ओके ठीक है। मिस ऑडबर्ड। हाँ हेनरी। क्या आपको केले पसंद है? हाँ मुझे केले पसंद है। हाँ ओह थैंक यू हेनरी, थैंक्स। ऐसा रहा एश्टन प्राइमरी स्कूल का एक और खुशहाल दिन। कभी कभी, मतलब कभी कभी, ये इतना भी बुरा नहीं जाता है। और जो आंसर हमें मिलता है 50 से डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई करने पे, हेनरी। सॉरी मिस बैटलैक्स, मैं कल रात को देर से सोया। हेलो मिस बैटलैक्स, मैं कुछ बच्चे ढूंढ रही हूँ। ओह कोई बात नहीं मिस ऑडबॉर्ड, हेनरी। हाँ मिस बैटलैक्स। गुड, आपके लिए ये मदद करेगा। क्या? नहीं मेरा मतलब मैं किस में मदद कर रहा हूँ मिस बैटलैक्स? दूसरों को बोर करने में, और किस में मिस ऑडबॉर्ड? थैंक यू बुजिका, मुझे चाहिए एक बच्चा जो वीडियो बनाने में मेरी मदद करे। बहुत देर हो गई, हेनरी सिलेक्ट हो गया है। यस मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे ये काम हेनरी के अकेले के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए एक और वॉलंटियर लगेगा। क्यों? थैंक यू मार्गरेट, तुम सिलेक्ट हो गई हो। नहीं। तो
देखा हमें ये करना है। पर करना क्या है मिस ऑडबर्ड? स्कूल को बेचना है हेनरी। हम स्कूल बेचने वाले हैं? वो हाँ ऐसा कह सकते हैं। हम स्कूल बेचने वाले हैं? खुशी से पागल हो जाऊंगा। फटे है। तो कौन सा वीडियो बना रहे हो तुम? ग्रोस क्लास जीरो के सबसे फेमस सीन्स, हम्टी डम्टी की टूटी खिड़की, जैक और जिल सुबह शाम करते हैं ड्रिल? नहीं, मेरा वीडियो ऐसा छोटा मोटा नहीं होगा, वो तो होगा इन सबसे बड़ा और जोरदार। मेरा वीडियो से तुम्हारा क्या मतलब है? वो वीडियो जो मैं बनाऊंगा। और वो वीडियो तुम बनाओगे किसके साथ? क्या कहा? तेरे हो क्या? किस चीज के साथ वो वीडियो बनाओगे जो तुम बना रहे हो? वो ठीक कह रही है हेनरी, तुम्हारे पास वीडियो कैमरा तो है ही नहीं। पर तुम्हारे पास है ना? मम्मी ने मेरी मौसी को दिया, मौसी ने पड़ोसन को दिया, पड़ोसन ने दूध वाले को दिया, दूध वाले ने अखबार वाले को, फिर वीडियो कैमरा ही नहीं है। वेरी गुड, इसका मतलब वो वीडियो वही होने वाला है जो वीडियो मैं बनाऊंगी। हम ये सब करेंगे कैसे? पर सुनो, मैं बनूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर, राल्फ तुम बनोगे सेकंड थर्ड फोर्थ असिस्टेंट। कूल। मैं बनूंगा बेस्ट बॉय। मैं भी। सुजन तुम होगी फैशन डिजाइनर, गुरिंदर मेकअप, लिंडा बाल, सुराया तुम बन सकती हो सिंगिंग टीचर। तो मुझे उसमें गाना भी होगा? नहीं, ब्रायन तुम देखोगे हिसाब, ग्राहम खाना और फाइट बर्ट। ऐसा क्यों? जाने दो विलियम। रहने दो, भागो यहाँ से। और बाकी सब एक्स्ट्रास बन सकते हैं। पर ये मत समझना कि तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा। Hey, मैं आ रहा हूँ, एक्सक्यूज मी प्लीज। मैंने सुना तुम एक वीडियो बना रही हो, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। आप क्या कर सकते हैं? मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, नाच गा भी सकता हूँ और बाजा बजा सकता हूँ। नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा सर। मैं राक्षस भी बन सकता हूँ। ठीक है फिर, सिक्योरिटी। हाँ ठीक है। अब टाइम है मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषण देने का। हाँ क्यों नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल हम एक बड़ी पिक्चर बना रहे हैं। करेक्शन, मैं फिल्म बना रही हूँ, तुम लोग सिर्फ मुझे हेल्प करोगे। कहूँ पिंक को पर्पल और पर्पल को पिंक, तुम कहना ढिन चैक ढिन। मैं अगर कहूँ ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर, तुम कहो सुपर। मैं तो शायर बन गई और मुझे पता भी नहीं चला। और अगर मैं तुम लोगों से कहूँ हंसो, तो हंसो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मार्गरेट, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ? तुम फर्स्ट असिस्टेंट हो। यस, फर्स्ट असिस्टेंट हो। मतलब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, है ना? ये तो अच्छी बात हुई। यस, ये अच्छा है हेनरी, इसका मतलब है तुम मेरे गुलाम हुए हमेशा के लिए। तो अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, फटाफट शुरू हो जाओ। हम लोहा पिघला देंगे, बारिश करवा देंगे यहाँ स्कूल में, और हम स्कूल को बेचेंगे, बेचेंगे, बेचेंगे। ओह नो, इनको काम देकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है बूटिका? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा होगा अगर तुम इन पर नजर रखो बूटिका। हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़े शौक से। ये कहाँ भागे जा रहे हो हीरो? स्कूल, हम पिक्चर बना रहे हैं। करेक्शन, मैं पिक्चर बना रही हूँ, तुम तो हेल्प कर रहा हूँ, पता है। तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हो तुम?
क्या कहा तुमने? सॉरी, तुम क्या कर रही हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर मैडम। अब मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? अपने पिक्चर का नाम सोच रही हूँ। ठीक है, फिर सोचती रहो। ये फर्स्ट असिस्टेंट का काम है पिक्चर का नाम सोचने का। अच्छा, ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा? ये स्कूल खरीद लो अभी। मजा नहीं आया सुनकर, थोड़ा कुछ हट कर हो तो सुनाओ बुद्धू। ओ ऐसा, मार्गरेट ये नाम ठीक है ना? हेनरी, पिक्चर में हेल्प करनी है या नहीं, आराम से सोचो। ठीक है फिर, कुछ हट के बताओ चलेगा? जैसे कि रम पम करियम सूर्य पम पम कोम, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। रम पम करियम सूर्य पम पम कोम। पर ये कौन है? वो मेरा ड्राइवर है। सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स के ड्राइवर होते हैं। मार्गरेट का मैं क्या करूं? आपका स्वागत है एस्टन प्राइमरी स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जिससे पास हुए हैं फेमस लोग और बहुत सारे फेमस टीचर्स भी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? तुम पर नजर रख रही हूँ हेनरी, जैसा कि अच्छे प्रोड्यूसर को करना चाहिए, दूर से नजर। पलटी मारो। आइए आपको अपना प्यारा सा स्कूल दिखाते हैं। यहाँ है आपकी अपनी हट्टी कट्टी डिनर लेडी और उनका वर्ल्ड फेमस खाना। बॉयज और गर्ल्स टॉयलेट, मतलब वॉशरूम। दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स जो कभी भी बिल्कुल मस्ती नहीं करते हैं। ओह! और अलमारी जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। थैंक यू पीटर, अब सब मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ। तो अगर खरीदना है ये स्कूल तो देर ना करे, और ऐसा कौन होगा जो खरीदना नहीं चाहेगा ऐसा प्यारा स्कूल? और ये फ्री में मिलेगा अगर आपने मुझे टीवी पर स्टार बनाया। आओ, भूल ही गई थी, मेरे बात कहो। आ जाओ कुछ कर दिखाते हैं। आ जाओ कुछ कर दिखाते हैं। शूटिंग खत्म। अब मेरी बहुत इम्पोर्टेंट हैट कहाँ गई? अच्छा, जब मैंने तुमसे ये कहा कि स्कूल बेचना है तो मुझे नहीं लगा था तुम सच में उसे बेचने के लिए निकल पड़ोगे। बेचने से मतलब है ऐसी बातें करना जिसे सुनकर और भी बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहें। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये वीडियो किसने बनाया है? किसने बनाया? किसने बनाया है? अच्छा, एकदम बकवास है। नहीं! Thank you, or good night.